हे गाइस, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। गाइस, इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं बहुत बेसिक चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, राउंड बटन के बारे में बात करने वाला हूँ कि राउंड बटन हम कैसे बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये राउंड बटन मैंने फेसबुक के लिए मैंने यहाँ पे बनाया था। फेसबुक की मैंने इमेज ली है एंड कॉर्नर रेडियस विड्थ देखे मैंने यह राउंड बटन बनाया। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई कभी कभी राउंड बटन बनाना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्टोरी बोर्ड के अंदर हमें डायरेक्टली वो बटन दे देते हैं, पर हम राउंड बटन हम कैसे प्रोग्रामेटिकली बना सकते हैं मैं वो आप बताने वाला हूँ आज। एंड सेकेंड चीज़, ये क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इमेज मैंने फेसबुक की जो ली है वो ब्लैक इमेज है, ठीक है। अभी मुझे ऐसे वाइट में चाहिए इमेज, जैसे कि ये एफ है ब्लैक में है, पर यहाँ पे मैंने वाइट में शो कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली हम सब लोग क्या करेंगे कि इमेज को वाइट में फिर बनाएंगे पेंट में जाके या फोटोशॉप में जाके। अगर मेरे को ब्लू में चाहिए एफ़, तो ब्लू में इमेज बनाएंगे, पर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इमेज ब्लैक में है तो इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं एक्सकोड में, स्टोरी बोर्ड के अंदर ही। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे ब्लैक इमेज है ये, पर यहाँ पे मैंने वाइट कलर दिया है, तो देखो ये वाइट में शो हो रहा है। तो ये सेकेंड टिप्स में मैं आप यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो ये दोनों टिप्स आपको अच्छे से काम आएगी, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप ये वीडियो में बने रहना। ये स्विफ्ट में मैंने किया है, ऑब्जेक्टिव सी में हम यहाँ पर कर देंगे। सो पहले तो एक्सकोड प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, हमारा सिंगल व्यू एप्लीकेशन एंड राउंड ऑब्जेक्टिव सी का ओबीजे, देन नेक्स्ट एंड क्रिएट। सो एसेट्स के अंदर पहले तो इमेज डाल देते हैं, ये रही। उसके बाद विंडो स्टोरी बोर्ड में जाके बटन ले लेते हैं। बटन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ एंड यहाँ पे इसको मिटा के यहाँ पे इमेज सेट कर देते हैं फेसबुक की, और यहाँ पे जाके 146 तो यहाँ पे आ गया। अभी इसकी आउटलेट बना देते हैं बटन की, तो व्यू कंट्रोल डॉट एच को सिलेक्ट करते हैं, प्रेस कंट्रोल एंड ड्रैग, एंड इसका नाम दे देता हूँ बटन कनेक्ट, और इसको सेंटर में रख देते हैं और बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। ओके ग्रेट। तो सबसे पहले व्यू कंट्रोल डॉट एम में जाके इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैं सिंथेसाइज कर देता हूँ बटन को, एंड व्यू डिड लोड के अंदर हम डायरेक्ट रन टाइम पे ही कोड करेंगे। सो बटन डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस इज इक्वल्स टू 25। यहाँ पे मैंने कॉर्नर रेडियस दे दी, मींस के मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है प्रोजेक्ट वो। ओके, ये जो है इसकी कॉर्नर रेडियस मैंने दे दी है, ठीक है, 25। उसके बाद बटन डॉट लेयर डॉट बॉर्डर विथ इज इक्वल्स टू 1। एक बार मैं इसको रन करके फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे बॉर्डर विथ 1 दे दी है, एंड उसके बाद बॉर्डर के जो कलर है वो भी यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, डॉट बॉर्डर कलर इज इक्वल्स टू UI कलर वाइट डॉट CG कलर, क्योंकि यहाँ पे लेयर है, सो यहाँ पे जो भी कलर होगा वहाँ पे CG लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक बार रन करते हैं। और इसका आउटपुट देख लेते हैं अभी। देखो यहाँ पे पूरा राउंड हो गया ये, और ये जो मैंने वैल्यूज़ दिए ना वही वैल्यू को याद रखना, ठीक है, कि कॉर्नर रेडियस एकदम परफेक्ट कॉर्नर 25 में ही होगा, एंड बॉर्डर विथ 1 दे देना क्योंकि ये दिखेगी। अगर 2 दे दोगे तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, ठीक है, एंड बॉर्डर का कलर मैंने यहाँ पे वाइट दिया है, आपको जो भी देना है वो यहाँ से आप दे सकते हो। एंड वन थिंग कि जब भी कोई भी बटन हो तो उसकी विड्थ एंड हाइट दोनों सेम रखना, उसकी वैल्यू यहाँ पे देखो मैंने 50-50 की है विड्थ एंड हाइट की, तो वो सेम रखना। एक्स वाई पोजीशन तो
चेंज होगी अकॉर्डिंग टू आप कहाँ पे उसको लेके जा रहे हो, ठीक है। और विड्थ एंड हाइट को सेट रखना 50, उसके बाद आप 50 कर दोगे ना तो कॉर्नर रेडियस में 25 रखूँगा ना तो वो पूरा एग्जैक्टली कॉर्नर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 25 वैल्यू ली है, समझ गए। अभी क्या करते हैं, ये जो F है ये हमारी इमेज ब्लैक में है, ठीक है। अभी मेरे को ये F वाइट में चाहिए क्योंकि मेरा ये जो है कॉर्नर रेडियस जो भी ये राउंड है ये वाइट में है। तो क्या करना होगा गाइस, एसेट्स में जाना है और यहाँ पे जाके, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, रेंडर एज ए डिफ़ॉल्ट, तो वहाँ पे जाके टेम्पलेट इमेज कर दो। देखो अभी टेम्पलेट इमेज मैंने कर दिया, अभी उसको रन करके देखते हैं, ठीक है। रेंडर एज में जाके टेम्पलेट इमेज कर देना, तो देखो इसकी कलर है ना ब्लू हो गया। अभी ये क्यों ब्लू हो गया वो आपको बताता हूँ, क्योंकि इमेज हमारी ब्लैक है पर ये कलर ब्लू हो गया, तो वो क्यों ब्लू हो गया देखो, यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करना, वहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पे स्क्रॉल करना तो देखो यहाँ पे टिंट दिया हुआ है। ये टिंट तो यूज़ ही नहीं करते हम लोग, बैकग्राउंड ही देते हैं और टेक्स्ट देते हैं, पर आज मैं आपको टिंट कलर का बेनिफिट दिखाता हूँ। इसका कलर देखो डिफ़ॉल्ट ब्लू है, ठीक है, तो उसने ब्लू ले लिया। अभी क्या करते, इसका कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ वाइट। अभी देखना इसको रन करते हैं, अभी देखते हैं, तो ये जो ब्लैक है ना वो वाइट हो जाएगा। तो ये टिंट का बेनिफिट है कि हमें इमेजेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट वाइट हो गया। अभी गाइस देखना, मैंने यहाँ पे वाइट दिया, ठीक है। अभी मैं एडजस्ट में जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड रेंडर एज अ डिफ़ॉल्ट कर दूंगा, तो ये वर्क नहीं करेगा। देखना जो भी हमारी इमेज जो ब्लैक है वही ब्लैक इमेज हमको वो दे देगी, हमारा वाइट कलर जो मैंने वहाँ पे दिया वो यू नहीं वो लेगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो याद से ही यहाँ पे टेम्पलेट इमेज कर देना, ठीक है। एंड बटन के ऊपर जो भी इमेजेस है उसका जो भी आपको कलर करना है वो आप कर सकते हो, तो आपको इमेजेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अब तक करते थे वो भूल जाना, ये मस्त है एकदम। ये अच्छी टिप्स मैंने यहाँ पे दी है, ये आपका टाइम भी बहुत सेव करेगा और ये बहुत अच्छा है, ये बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा बटन है, तो यहाँ पे हम कैसे राउंड भी कर सकते हैं एंड बटन का कलर भी कैसे चेंज कर सकते हैं, ये दोनों मैंने यहाँ पे आज आपको बताया। और टिंट कलर हम क्यों यूज़ करते हैं वो भी मैंने बताया, तो इसको अपने प्रोजेक्ट में डाल के यूज़ करना। एंड अगर कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, एंड कुछ भी सजेशन हो मेरे वीडियो के ऊपर या मेरे चैनल के ऊपर तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप कि आप